सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे फूलों से खुशबू चुराऊं तितली के संग उड़ जाऊं सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या मैं बनूंगी मिस इंडिया मैं बनूंगी मिस इंडिया टाइगर अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा वो मेरी बात जरूर मानेगा इल्जाम लगाने का इतना ही शौक है तो इल्जाम लगाने की वजह भी बता दीजिए कौन हो सकता है जिसने सुहानी को किडनैप किया हो आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए नहीं बनाना मुझे मिस इंडिया मेरी बच्ची को बस मेरी बेटी मेरे घर वापस आ जाए अगर तेरे में हिम्मत है तो ये ले चाबी और बचा ले सुहानी को अब हम ज्यादा देर तक सुहानी का इंतजार नहीं कर सकते लेट्स गो अहेड विद द इवेंट हमें प्रतियोगिता होने नहीं देंगे 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 साई नाथ जब जब आपके भक्तों के मन में अंधेरा और दुख छाया आपने उसे हमेशा दूर किया है फिर आज मेरे मन में इतना अंधेरा क्यों है क्यों आपने हमें आशा की किरण दिखाकर हमारे सामने निराशा का अंधेरा फैला दिया मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा आज आज आपके सामने अपनी झोली फैला दी मेरी बेटी की रक्षा कीजिए मेरी बेटी की रक्षा कीजिए भगवान मुझे मेरी बेटी दे दीजिए मुझे मेरी बेटी वापस दे दीजिए मेरी बहन को समझाओ कि भगवान का काम तो भगवान करेंगे ही और हमें जो करना है वो हम करेंगे जगदम्बा मौसी एकदम सही बोल रही है लेकिन जब तक सुहानी नहीं मिल जाती ना तो ये प्रतियोगिता को हमको रुकवाना ही होगा सही बात है वरना जिसने सुहानी को किडनैप किया उसका मकसद पूरा हो जाएगा जिसने का मतलब ये बात तो साफ है कि संजना गुजराल ने ही सुहानी का किडनैप किया है और हम इसे इसका जवाब देकर ही रहेंगे हमें ये प्रतियोगिता रुकवाना ही होगा शांत हो जाओ सर शांत हो जाओ प्लीज सावित्री बहन ठीक कर रही है जब कोई चीज़ अपने वश में नहीं हो ना तो उसे भगवान के सामने ही छोड़ना चाहिए साईं बाबा सुहानी की रक्षा करना लेकिन जहाँ तक सुहानी की खुशियों का सवाल है हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सुहानी जब तक वापस नहीं आ जाती हमें इस प्रतियोगिता को रोकना ही होगा चलो सब सावित्री बहन आप भी चलिए ना नहीं हुआ
राजा। ओ, अपुन तेरे को सॉरी बोलने को मांगता है। ये गुलाब, this is for you. अरे क्या हो गया, तुम लोग सब लोग चुप क्यों हो गए? और ये प्यार व्यार किसे हो गया है? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं, वक्त देगा राजा। राजा बोल दे सुहानी को, बोल दे तू उसे बहुत प्यार करता है। राजा बोल दे मेरे भाई। सुहानी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सुहानी। देखो देखो मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो गए। चलो हमें यहां से निकलना होगा, चलो। लेकिन भैया, भैया कहाँ? तो यही आए थे ना तुम्हारे पास। नहीं तो टाइगर, टाइगर भैया से मिलने गए और उसकी आंखों में तो खून सवार था। राजा चलो ना, भैया को ढूंढते हैं। हाँ हम ढूंढ लेंगे सुहानी, भैया को ढूंढ लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से चलो, यहाँ से चलो। यहाँ पे टाइगर कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा है। मुझे मुझे अपने खतरे की परवाह नहीं है। तुम भैया को ढूंढो, मुझे भैया की चिंता हो रही है। सुहानी देखो देखो, हमें यहाँ से जाना जरूरी है। तुम्हारा तुम्हारा मिस इंडिया का इवेंट शुरू होने वाला है और तुम्हारा वहाँ पे होना ज्यादा जरूरी है। देखो राजा, भैया की जान से ज्यादा मुझे और कुछ भी कीमती नहीं, कुछ भी नहीं। तुम बातें करने में वक्त जाया मत करो, चलो ना भैया को ढूंढते, चलो ना। बाबू तू आज मेरे हाथों से नहीं बच सकता, अगर तेरे में हिम्मत है तो छूट के दिखा दे बाबू। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा टाइगर, अब तू मेरे हाथ में। बाबू ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो ये सारी की सारी गोलियां तेरे अंदर दाग दूंगा बाबू मैं। भैया, भैया तुम क्या कर रहे हो? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टाइगर, आज तेरा आखिरी दिन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया तुम इस पापी के खून से अपने हाथों क्यों गंदे कर रहे हो? भैया 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 छोड़ दो इसे। भैया भैया मैंने जिस कलाई पर राखी बांधी मैं कभी नहीं चाहूंगी वो हाथ खून से लग रहे हो, कभी कभी नहीं गंदे करने दूंगी तुम्हें। भैया छोड़ दो इसे। भैया भैया छोड़ दो। भैया छोड़ो मुझे सॉरी, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, तुम्हें मेरी सौगंध, इसको तो अपने किए की सजा मिल जाएगी, कानून इसे अपने किए की सजा दे देगा भैया, लेकिन तुम मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे। चलो भैया चलो यहाँ से। नहीं चलो भैया, चलो भैया। बाबू तूने मुझे जिंदा छोड़कर अच्छा नहीं किया है, बहुत पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। हम बस्ती वाले सुहानी के बगैर प्रतियोगिता होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। देखिए इस तरह हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब ये बहुत नाइंसाफी है। कानून अपना काम कर रही है। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सुहानी के बिना ये प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती। हाँ सुहानी गरीब घर की लड़की है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ये प्रतियोगिता से निकाल देंगे। बहुत मेहनत और लगन से सुहानी इस मकाम तक पहुंची है, हमें पूरा विश्वास है कि मिस इंडिया का ताज वह जरूर जीतेगी। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बेटी के सपनों को नहीं तोड़ सकते। सुहानी के बगैर यह प्रतियोगिता होने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। एक मिनट, देखिए मैं आप सबकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझती हूं, पर हमारी भी कोई जिम्मेदारियां हैं।
ये कॉन्टेस्ट 27 लोगों के भविष्य का सवाल है। सिर्फ एक सुहानी सहाय के कारण हम उन 26 लड़कियों का भविष्य अंधेरे में नहीं ढकेल सकते। ये कॉन्टेस्ट अगर आज नहीं हुआ तो पूरा एक साल इन लड़कियों को इंतजार करना पड़ेगा, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा ना हो। इसीलिए हम ये कॉन्टेस्ट जल्द से जल्द शुरू करें ताकि बाकी 26 लड़कियों के भविष्य पर उसका बुरा असर ना हो। आप हमें समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। शालिनी ठीक कह रही है। मिस्टर धनराज, अब ये केस पुलिस के पास है और मैं आपको परमिशन देता हूं कि आप ये कॉन्टेस्ट शुरू कर सकते हैं। सुहानी, ये राजा अब तक आया क्यों नहीं? कुछ भी नहीं है, न रिक्शा न टैक्सी न कुछ, पता नहीं कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो आसपास। अच्छा, इवेंट शुरू होने वाला है, हमें जल्दी जाना होगा। टैक्सी हमें आगे मिल जाएगी, चलो। एक मिनट भैया, मुझे माँ से बात करनी है। देखो सुहानी, माँ से तुम बाद में बात कर लेना, अभी हमें वहाँ पे इवेंट पे पहुँचना बहुत जरूरी है। एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है? लेकिन राजा, माँ चिंता से मरी जा रही होगी, मैं बस एक बार बात कर लूँ मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। भैया फोन दो ना। क्या हो रहा है, क्या हुआ? अब पता नहीं कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, शायद टेलीफोन बूथ बंद हो गया हो। नहीं नहीं बाबू, टेलीफोन बूथ बंद नहीं होगा क्योंकि फोन तो बस्ती के बाहर ही पड़ा रहता है। नहीं, कोई ना कोई तो जाग रहा होगा ना अभी बस्ती में। तुम फिर से ट्राई करो। हाँ। पता नहीं राजा, ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है, बस्ती में इतने सारे लोग हैं, कोई तो। राजा मेरा दिल बैठा जा रहा है अब। ये बस्ती वाले कहाँ चले गए न जाने, कहाँ गए होंगे ये लोग। देखो, हम इस तरह वक्त जाया नहीं कर सकते, आगे बस्ती हमें टैक्सी वहां से मिल जाएगी। जस्ट लेट्स गो फास्ट, कम ऑन, चलो मेरे साथ। चलो नमस्कार, यह है KTV और आप देख रहे हैं K News। आज के मुख्य समाचार में, एक बाल बाबा की चौल के लोगों के जबरदस्त प्रदर्शन के बावजूद मिस इंडिया प्रतियोगिता को शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। एक बाल बाबा की चौल की एक लड़की सुहानी सहाय, जो इस साल मिस इंडिया की एक पार्टिसिपेंट थी, आज सुबह से ही लापता है। कहा जा रहा है कि उनका अपहरण हो गया है, लेकिन अभी तक उनके अपहरण की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। इस इवेंट के कर्ता धर्ता में शालिनी वोरा का कहना है कि सुहानी सहाय अपने इस इवेंट में हार के डर से इस प्रतियोगिता को बीच में ही छोड़कर भाग गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें इस प्रतियोगिता से निकाल दिया गया है। और इस प्रतियोगिता को शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। कुछ ही देर में हम आपको इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। हम ये प्रतियोगिता नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हम सुहानी को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। शांत हो जाइए, आप लोग खामोश हो जाइए। हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। हम लोग गरीब जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हम आप लोगों को मनमानी नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। एक तो सुहानी हमारी अगुआ हो गई है और आप लोग कहते हैं चुप हो जाओ। देखिए, सुहानी की तलाश जारी है, बहुत जल्द उसका पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? जब ये प्रतियोगिता खत्म होगी तब।
हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो मजबूरन हमें आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो करना है कर लो, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। हवलदार हटाओ इन लोगों को। ये क्या हो रहा है? रोकिए इन्हें, रोकिए ना इंस्पेक्टर साहब, बस करो, बस करो। आप लोग भगवान के लिए रुक जाइए, मैंने मेरी बेटी का नसीब भगवान के हाथ में सौंप दिया, भगवान जो भला समझेंगे वही करेंगे। आप लोग यह हंगामा मत कीजिए, भगवान ही मेरी बेटी की रक्षा करेगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, यहां से वापस चलिए। आप लोग सोच क्या रहे, चलिए ना। देखो तुम लोग अलर्ट रहना, कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अंदर मिस इंडिया कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है। मिस सुहानी कहाँ थे आप? इंस्पेक्टर साहब सुहानी कहीं नहीं गई थी, सुहानी का किडनैप हुआ था। अगर इनका किडनैप हुआ था तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन जाइए, किडनैपर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाइए। रिपोर्ट दर्ज करवा देंगे हम लोग। इंस्पेक्टर साहब पहले आप जाने दो, अंदर कंपटीशन चालू हो गया, इसको जाने दो अंदर आप। आई एम सॉरी सुहानी अंदर नहीं जा सकती। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं इस प्रतियोगिता की कंटेस्टेंट हूँ, मेरा इस वक्त अंदर होना बहुत जरूरी है। नहीं मिस सहाय, कंटेस्टेंट आप है नहीं बल्कि थी। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आपने आने में बहुत देर कर दी। मिस इंडिया के मैनेजमेंट के लोगों ने आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब अब मुझे अंदर तो आने दीजिए, मुझे एक बार उनसे बात तो करने दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात मान लेंगे। नहीं मिस सुहानी साहब आप अंदर नहीं जा सकती, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हैं आप? इंस्पेक्टर साहब आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने सुहानी के खिलाफ साजिश रची है। मैं सिर्फ और सिर्फ कानून का साथ दे रहा हूँ, अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ड्यूटी निभा रहे आप? अपनी ड्यूटी निभा रहे, ये कैसी ड्यूटी है जो सच को इंसाफ नहीं दे सकती? आज मैं सुहानी को अंदर लेके जाऊंगा, देखते हैं कौन मुझे रोकता है। कम ऑन सुहानी। बाबू तुम ये भूल रहे हो कि तुम सिर्फ जमानत पे रिहा हुए हो, कहीं ऐसा ना हो कि कानून को तुम्हारी जमानत रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़े। बाबू इनसे उलझ के कोई फायदा नहीं, चलो हम चलते हैं यहां से। चलो चलो सुहानी। राजा तुमने मुझे क्यों रोका? मेरी जमानत चली जाती ना, मुझे मेरी जमानत की कोई परवाह नहीं। अच्छा तुम्हें तुम्हारी जमानत की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी आई को तो है, तुम्हारी बहन को तो है। क्या होता हा? फिर से मुजरिम, फिर से पूरी जिंदगी अपनी मुजरिमों के जैसे गुजारते हो तुम? कमाल कर रहे हो तुम भी ये सब बातें कहकर। क्या फर्क पड़ता राजा, क्या फर्क पड़ता? मुजरिम तो मैं हूं ही, जिंदगी भर मुजरिम रहना मुझे मंजूर है। मैं सिर्फ अपनी बहन का सपना पूरे होते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं भैया, मेरा एक सपना पूरा होने के लिए मैं अपने दूसरे सपने को टूटते हुए नहीं देख सकती। भैया मैं तुम्हें अपने भाई के रूप में पाना चाहती हूँ, ना कि मुजरिम की जिंदगी जीते हुए देखना चाहती। नहीं चाहिए मुझे मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट, शायद तकदीर को यही फैसला मंजूर। सुहानी तुम इस तरह हार कैसे मान सकती हो? मैंने कहा ना भैया, शायद तकदीर को मेरे लिए यही फैसला मंजूर है। चलो घर चले।
क्यों ऐसे रोते हुए जाओगी? क्या आई से नजर मिला पाओगी? क्या कहोगी आई से? लो आई, मैं हार कर वापस आ गई। तो मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका है और उस कॉन्टेस्ट से मुझे बाहर निकाल दिया गया। अब मेरे पास हार मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। सुहानी, एक रास्ता अभी भी बाकी है। सच करने वो सारे नई राहें मुझको पुकारे फूलों से खुशबू चुराऊं तितली के संग उड़ जाऊं सितारों से मैं क्या चाहूं सुन जरा कोई जो पूछे मेरा ख्वाब है क्या मैं बनूंगी।